दांत साफ रखने के लिए ऐसी ऐसी चीजों की सलाह दी गई कि आपको घिन आने लगे। हिप्पोक्रेट्स ने दांत मांजने के लिए खरगोश की जली हुई खोपड़ी और 3 चूहे के चूरे के इस्तेमाल की राय दी थी। अंडों के जले हुए खोल का चूरा भी लाभदायक बताया गया था। कहा गया था कि केकड़े की आंख का चूरा, चमगादड़ के मल या लोहे के जंग से मंजन करने पर दांत साफ और स्वस्थ रहते हैं। सांस की ताजगी के लिए जानते हैं क्या इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी? रुकिए, पहले अपनी नाक बंद कर लीजिए। नौजवान पुरुषों के मूत्र को छी। ताज्जुब की बात है कि लोग इन सलाहों पर अमल भी करते थे। दांत पर मलने के लिए प्राचीन यूनान और रोम में लोग कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस समय दांत मांजने का मुख्य उद्देश्य दांतों को स्वस्थ रखना नहीं था, बल्कि सफेद और चमकदार रखना था। खास तौर से पुरुष वर्ग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि सफेद और चमकदार दांतों से स्त्रियां उनकी ओर जल्दी आकर्षित होंगी। आदमी की इस सदियों पुरानी कमजोरी का फायदा आज भी टूथपेस्ट के विज्ञापनों में उठाया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने जीवाणुओं की खोज की और लोगों को यह पता लगा कि दांत जीवाणुओं की वजह से सड़ जाते हैं। दांतों को सफेद और चमकदार रखने के अलावा उन्हें जीवाणुओं से बचाना भी जरूरी है। इस तरह आधुनिक टूथपेस्ट की शुरुआत हुई। पर शुरू में टूथपेस्ट में ऐसी चीजों को मिलाया जाता था जो फायदा कम और नुकसान ज्यादा करती थी। उदाहरण के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए हेक्साक्लोरोफीन नामक रसायन मिलाया जाता था, जो बच्चों पर भी घातक असर डालता था। इसी तरह अच्छी स्मेल के लिए क्लोरोफॉर्म और हल्की मिठास के लिए साइक्लोमेट का इस्तेमाल किया जाता था। ये दोनों ही रसायन कैंसर उत्पन्न करते हैं। जिस ट्यूब में टूथपेस्ट भरा रहता था वह लेड की बनी होती थी, जिससे धीरे धीरे लेड टूथपेस्ट में घुलकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता था। सभी जानते हैं कि लेड हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाता है। जैसे जैसे इन रसायनों के नुकसानदायी प्रभावों का पता लगाया गया, वैसे वैसे इनकी जगह नए रसायन लेते गए। आज के टूथपेस्ट स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतरीन है, साथ ही इनमें दांतों को सफेद और चमकदार बनाए रखने के लिए भी रसायन मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए केमिकल मैन चैनल को और दबाइए बेल आइकन को।